BSTC 2022 की कट ऑफ को लेके बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें। आप सभी जानते हैं लेवल वन पे सिर्फ और सिर्फ BSTC को रखा गया है। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि BSTC जो कर रहे हैं स्टूडेंट उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये चीज़ आप सभी जानते हैं, क्योंकि 2021 के अंदर क्या हुआ था, जब कोर्ट वाला मैटर चल रहा था कि लेवल वन पे कौन शामिल होगा, उस समय केस चल रहा था। लेकिन अभी एक बात साफ हो चुकी है कि लेवल वन पे ओनली BSTC ही रहेगा। तो इस बार आपके कट ऑफ यकीन मानिए लास्ट ईयर की तुलना में 10 से 20 नंबर भी अप जा सकती है। कितनी कट ऑफ इस बार रहेगी, आप लोग हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि BEd और BSTC दोनों में अगर बात की जाए तो BSTC में सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कम है और वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी आती है। क्योंकि लेवल टू पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होती है। जो BEd होल्डर की संख्या वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन BSTC होल्डर कम है, तो इस कारण जो है कंपटीशन काफ़ी कम रहता है लेवल वन पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि BSTC 2022 के अंदर जो कॉलेज मिलने की काउंसलिंग की जो कट ऑफ वो कितनी रहने वाली है, कितने नंबर पे जनरल OBC SC ST या EEE को जो है कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल को, तो जनरल स्टूडेंट के अप्रोक्स 400 नंबर आने चाहिए, तभी आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा। और आपके जो है पास में या जो भी कॉलेज थोड़ा दूर देख रहे हैं, तो 390 तक भी आपको जनरल स्टूडेंट को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ OBC की, OBC हो गया, MBC हो गया या EEE हो गया, तो इन सभी स्टूडेंट का जो कॉलेज है वो 380 से 390 के अराउंड इतने नंबर आपके होने चाहिए। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 5 से 10 नंबर, आप लोग 10 नंबर कम कर लीजिए, कई बार 15 नंबर भी कम हो जाता है, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ कम रहती है। बहुत सारे हम कॉलेज में देखते हैं कि फीमेल की जो सीट है वो रिजर्व होती है, तो इस कारण उनकी कट ऑफ 15-20 नंबर भी कम रहती है। तो यहाँ पे OBC MBC EEE इनकी 380 से 390 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है। बाकी एग्ज़ाम पे निर्भर करता है पेपर का लेवल कैसा है, लेकिन हम पिछले 3-4 साल से एग्ज़ाम जो पेपर है वो देख रहे हैं, उसके आधार पे ये जो कट ऑफ बता रहे हैं कि एवरेज एग्ज़ाम होता है तो 380-390 आपका स्कोर होना चाहिए। अगर हम बात करें SC और ST के, तो SC वाले लगभग 360 के राउंड स्कोर होना चाहिए और ST वालों का 340 प्लस स्कोर होना चाहिए, तो आपको मनपसंद ही अपने पास के कॉलेज मिल जाएंगे। बाकी फीमेल की इससे 10 या 15 नंबर आप लोग कम रखिएगा। और कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।